अस्सलाम वालेकुम, मरियम किचन में आप सबों को वेलकम। आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। इसके लिए मैंने ली हूँ थोड़े काजू ली हूँ और थोड़े मटर ली हूँ। दही डालेंगे, गाजर एक, दो टमाटर, दो प्याज, थोड़ी धनिया लिए और थोड़ी पुदीना लिए और एक किलो चिकन है और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। मैंने चूल्हा ऑन करके तेल गरम करने रखी थी पतीले में। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, दो चम्मच तेल, एक चम्मच घी डालिए, साथ में टमाटर भी डालेंगे। नमक डालते हैं, दो तीन मिनट के लिए ढक के रखती हूँ। दो दालचीनी डालेंगे, दो काली बड़ी इलायची, दो चार लौंग और साथ में पुदीना डालेंगे। टी डालेंगे, अदरक डालेंगे एक चम्मच टेबल स्पून, पीले प्याज कम की, इसमें ही चिकन भुनेंगे फिर मसाले डालेंगे। हल्दी में चिकन धोकर रखी थी। थोड़ा इसमें पकाएंगे फिर मसाले डालेंगे। मसाले डालेंगे, दही डाली, जीरा पाउडर एक चम्मच से, सौंफ पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसको मिलाएंगे थोड़ा। काली मटर डालेंगे साथ में, गाजर भी डालेंगे, गाजर डालेंगे, धनिया भी डालेंगे। इसको मिला के मैं दम में रखती 10 मिनट के लिए। चिकन मैंने इसमें पानी डाली थी, अपने अंदाज से डालना क्योंकि मैंने ये घर के जो चावल होते कोलम उसमें पका रही हूँ। डालेंगे इसमें, चावल भी डालेंगे, राइस पत्ते डालेंगे। इसको आप ढक के रखेंगे अच्छा उबाल आने तक। मैंने चावल का भी नमक डाली हूँ अभी और अभी ये दम में आया है चावल। अभी मेरा मैं अभी एक 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हमारा वाइट पुलाव तैयार हो चुका है, मैं अभी डिश आउट करती हूँ आपको बताती हूँ।
देखिए व्हाइट पुलाव माशाल्लाह बहुत खुशबू भी आ रही है और बहुत टेस्टी भी हुआ है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।